बिना ड्राइवर ट्रेन कैसे चली? बिना ड्राइवर ट्रेन 84 किलोमीटर चलकर जम्मू से पंजाब पहुंच गई। जम्मू कश्मीर में एक ट्रेन बिना ड्राइवर के लगभग 84 किलोमीटर तक चली गई। रेलवे अथॉरिटी को जानकारी मिलने के बाद ट्रेन को पंजाब में रोका गया। 70 की रफ्तार से दौड़ी मालगाड़ी। राज्य रिपोर्टर। मालगाड़ी कठुआ से होशियारपुर की ऊंची बस्ती तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ी। इसकी जानकारी मिलते ही अधिकारियों के हाथ पाँव फूल गए। हालांकि बड़ी जिद्दोजहद के बाद अधिकारियों ने मालगाड़ी को रोकने की सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक घटना रविवार 25 फरवरी की सुबह गाड़ी नंबर 14806R जम्मू के कठुआ स्टेशन पर रुकी थी। यह एक मालवाहक ट्रेन थी। साथ ही उतरने के वक्त ट्रेन का इंजन भी चालू था। जम्मू के कठुआ रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी खड़ी थी और उसका इंजन भी चालू था। इसी बीच लोको पायलट इंजन से नीचे उतर गया। इतने में मालगाड़ी बिना लोको पायलट के ही दौड़ने लगी। इसके बीच सुबह करीब 7:10 पर ट्रेन अपने आप ही चलने लगी और लगभग 84 किलोमीटर तक दूर पंजाब के दौसा के करीब ऊंची बस्ती तक पहुंची। ट्रेन जम्मू के कठुआ स्टेशन पर रुकी थी, जिसके बाद वो चलकर पंजाब पहुंच गई। घटना को लेकर जम्मू रेलवे के डिविजनल ट्रैफिक मैनेजर ने जाँच के आदेश भी दिए हैं। एक पैसेंजर ट्रेन के स्टाफ ने काफ़ी मशक्कत कर ट्रेन को रोका। गनीमत यह रही कि ट्रेन जिस रूट से जा रही थी उस रूट पर कोई दूसरी ट्रेन नहीं थी। इस वजह से बड़ी दुर्घटना टल गई। घटना में किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। ट्रेन को मुकेरिया पंजाब में ऊंची बस्ती के पास रोका गया। मामले की जाँच शुरू कर दी है। ANI रिपोर्ट के मुताबिक घटना को लेकर जम्मू रेलवे के डिविजनल ट्रैफिक मैनेजर ने बताया है कि एक मालवाहक गाड़ी कठुआ स्टेशन पर रुकी थी और अचानक ढलान होने की वजह से बिना ड्राइवर पठानकोट की तरफ बढ़ने लगी। ट्रेन को पंजाब के ऊंची बस्ती के पास रोका गया। घटना को लेकर उक्त एजेंसियों को जांच के आदेश दिए गए हैं।